अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं, तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहाँ के केसर का स्वाद ही अलग होता है। तो दोस्तों, सुना आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए किसी देश का प्रधानमंत्री आज मन की बात में क्या बात कर रहा है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत आज देश की रीढ़ की हड्डी बन गई है, क्योंकि ये भारत को खड़ा करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। इसी की कड़ी में कश्मीर के लोगों को खड़ा करने और इसी के साथ कश्मीर को आतंक से मुक्त करने और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर को एक बेहतरीन राज्य बनाने के लिए भारत की मोदी सरकार काम कर रही है। हालांकि उन्होंने आज मन की बात में एक जिक्र किया था कि भारत के अंदर जो एक अकबर नाम के जो एक राजा हुए थे, वो कहते थे कि चाहे कोई चिड़चिड़ा इंसान भी कश्मीर की वादियों को अगर देख ले तो वो खुशी से हंसना सीख जाए और इसी के साथ उसका सभी चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। और इसी के साथ ही कश्मीर का जो केसर है वो कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान है। कश्मीरी केसर आज पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन मिसाल के कारण जाना जाता है। वैसे तो केसर के मामले में ईरान जैसा देश पूरी दुनिया में नंबर वन है। पूरी दुनिया में ईरान का केसर अमेरिका तक भी खरीदता है, भले ही अमेरिका ने कितने भी सैंक्शन लगा रखे हैं। पूरी दुनिया आज केसर पर डिपेंडेंट है और वो केसर पर डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर है, लेकिन भारत इस मामले में ईरान को कड़ी टक्कर देने वाला है। और भारत का केसर ईरान के केसर से बहुत ज्यादा खूबियां उसकी ये हैं कि हमारा जो केसर है वो एक लंबा होता है और इसी के साथ उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। इसी के साथ ही हमारे केसर का जो प्राइस है वो ईरानी केसर से डबल होता है। हालांकि भारतीय केसर की डिमांड भी बहुत है और भारत के केसर को GI टैग मिलने के बाद अब आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का केसर ही भारत के लोगों को खाना चाहिए, इसके प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जागरूकता फैलाई है। लेकिन इसी के साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि भारत आज भी तकरीबन 18 मिलियन डॉलर का केसर हम दुनिया के अलग अलग देशों से आयात करते हैं, जिसमें ईरान का केसर सबसे प्रमुख रोल प्ले करता है। वैसे दोस्तों, केसर को एक मसाला ही बोला जाता है और इस केसर के मसाले के ऊपर आज पूरी दुनिया ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत अब इस केसर के मामले में पूरी दुनिया में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है और इससे पहले भारत में भी कि भारत के केसर की एक पॉपुलैरिटी हो, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत और GI टैग के चलते इसे जोड़ा गया है। खैर दोस्तों, पहले भारत को अपने इस कश्मीरी केसर को इतना ज्यादा ग्रो करना होगा कि भारत की जरूरतें पूरी की जा सके और उसके बाद पूरी दुनिया में जो भारत है अपना रोल प्ले करेगा इस कश्मीरी केसर को एक्सपोर्ट करके। खैर दोस्तों, ईरान 491 मिलियन डॉलर कमाता है अपने केसर को एक्सपोर्ट करके। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा।